ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष रविवार तृतीया तिथि दिन भर शाम 6 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में रात्रि 9:30 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। श्रवण नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, दानी, सर्वगुण संपन्न, धनी, विद्वान और प्रसिद्धि पाने वाले होते हैं। ऐसे जातक आस्तिक, हंसमुख, सहनशील, धर्मपरायण, हर काम को सोच विचार कर करने वाले, व्यापार में सफल और उन्नतिशील भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मकर राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। मेष राशि के जातकों के राशि स्वामी मंगल, केतु और चंद्रमा के साथ 10वें घर में चल रहे हैं। कार्य योजनाएं विकसित होंगी, नई क्रियाशीलता की प्रेरणा मिलती रहेगी और काम करने का केंद्र बिंदु निर्धारित योजनाओं को विकसित करना रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर घर गृहस्थी और माता के संबंधों में उतार चढ़ाव संभावित है। फिर भी घरेलू मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक विवाद में सावधानी रखनी चाहिए और कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा का योग बनता है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए पराक्रम बढ़ा रहेगा और कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और अधिकतम कार्य योजनाओं की रूपरेखा सफल रहेगी। नई कार्य योजनाओं में लाभ और साझेदारी में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। मन किसी अज्ञात भय से अस्थिर रहेगा। पिता के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी, मगर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव संभावित है। हालांकि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति और आर्थिक लाभ के प्रति सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी और संबंधित मामलों में छोटी यात्राएं भी संभावित हैं। चंद्रमा के 8वें होने से अनावश्यक चिंता और मानसिक दबाव भी महसूस हो सकता है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास कायम रहेगा, जो कि आपकी व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में उत्साह और विकास की दर मन मुताबिक बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर खर्च की स्थिति भी संभावित है। कार्य योजनाएं आपके अनुरूप चलती रहेंगी और विरोधियों की साजिश नाकाम होगी, मगर निजी संबंधों में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और कार्य की अधिकता लगी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए मन में नकारात्मक विचारों का उठना, कामों में रुकावट, धन खर्च और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत मिलता है। उत्साह में कमी बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। शासन सत्ता व विभागीय कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें, संकोच दूर रखें, स्वयं के दुरुपयोग से बचें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में विकास और सरकारी सहयोग कायम रहेगा। बुध के राहु और शुक्र के साथ एकादश भाव में होने से कुछ व्यावसायिक गतिविधियों और आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपेक्षित हैं। मानसिक व्यग्रता, हर काम के प्रति जल्दबाजी और उत्साह में कमी संभावित है, मगर सरकारी सहयोग बना रहेगा और अधिकतम काम पूरे होंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अनावश्यक रुकावटें खत्म होंगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। भूमि, वाहन या प्रॉपर्टी संबंधी मामले सामने आएंगे।
चंद्रमा के नक्षत्र का फल आपके लिए लाभदायक रहेगा, मगर चंद्रमा के केतु के साथ होने से अनावश्यक घबराहट, बेचैनी, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मसंतुष्टि में उतार चढ़ाव संभावित है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे। चंद्रमा के अपने नक्षत्र में चलने से रुके हुए काम संपन्न होंगे और विवादित मामलों में सफलता का संकेत मिलता है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी, हालांकि शंकाओं का दौर भी जारी रहेगा जो कि कार्य क्षेत्र की सकारात्मक पहल को प्रभावित करने का काम करेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आ रही रुकावटें खत्म होंगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों फलीभूत होंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। व्यावसायिक उद्देश्यों में उतार चढ़ाव और अनावश्यक रुकावट संभावित है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लेना चाहिए। रचनात्मक प्रयासों में देरी, पारिवारिक मधुरता में कमी और मानसिक दबाव बना रहेगा। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, सकारात्मक प्रेरणा जारी रहेगी, वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी अपेक्षित है। मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक क्रियाशीलता बनी रहेगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और अंतर्मन का सहयोग कार्य क्षेत्र को विकसित करने में सहायक होगा। अति उत्साहित महसूस करेंगे, मगर स्वयं के स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है। शासन सत्ता व अधिकारियों के साथ भी विभागीय सहयोग बना रहेगा और मेहनत करने की प्रवृत्ति कायम रहेगी। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अनावश्यक खर्च और गृहोपयोगी वस्तुओं में निवेश की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं में और संसाधनों में भी खर्च संभावित है। संबंधित मामलों में यात्रा का योग भी बनता है। हालांकि आर्थिक मामलों में सहयोग मिलता रहेगा और संसाधनों में वृद्धि होगी, मगर विरोधियों से सावधान रहें, साजिश के शिकार हो सकते हैं। वाद विवाद से संबंधित मामलों में सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा, संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी, स्वास्थ्य पर सावधानी अपेक्षित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा, रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें पारिवारिक प्रेरणा और सहयोग लाभदायक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।